दर जो है बोगस पुलिस बनकर लोगों को साथ फसावट करता था क्या विषय? एक मई में एक इंसिडेंट आया, हमारे पास एक एप्लीकेशन आया हुआ था जो स्काईवॉक पे कोई आने जाने वाले कपल्स को देख के उनके ऊपर चार्जेस, यानी ये जो बोगस पुलिस है वो खुद को PSI जगताप बोल के प्रेजेंट करता था और उनको पकड़ के रेलवे के प्रीमाइसिस में लेके जाता था कि आपने यहाँ पे वल्गर कुछ ये किया है, उस वजह से उनको ताबे में लेके उनसे पैसे की मांग होती थी। ऐसे एक विक्टिम है, उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था, उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे थे हम लोग। जो भी फुटेजेस मिले उसमें से आइडेंटिफाई किया आरोपी को और कल रात को उसको दबोच लिया हमने। उसमें इस ये बंदे से इसने एक 7-8 दिन के पीरियड में वही बात के ऊपर समथिंग 360,000 के करीब का पैसा ले लिया। सर और भी कोई मामले सामने आए? उसमें से कुछ मामले सामने आ रहे हैं। 6 तारीख को एक मामला हुआ है, उनको भी हमने कल बुलाया है, आइडेंटिफाई करके उनका भी मामला दर्ज कर रहे हैं। उसमें भी समथिंग एक टाइम 18,000, एक टाइम 35,000, ऐसा 2 टाइम पैसा लिया है उससे। सर पुराना कुछ रिकॉर्ड है सर? पुराना रिकॉर्ड, उसके ऊपर कुछ मैटर्स दर्ज है, हम जानकारी ले रहे हैं पेलार, नायगांव और वसई में, उसकी जानकारी ले रहे हैं हम लोग। सर ये किस तरह सर लोगों को अपने जाना फंसा? ये सॉफ्ट टारगेट देखता है, जो भी 40-50 के उम्र के लोग हैं और जो साथ में कोई लेडी है उनको पकड़ के आइडेंटिफाई करके उनको डरा धमका के पैसा ऐटना, पुलिस का झूठा पुलिस है या कार्रवाई चल रहा है इस हिसाब से बात करके उनको पुलिस कार्रवाई करेंगे बोल के उनको डरा धमका के खंडनी के तरह वसूल कर रहा था। सर लोगों से कुछ आह्वान करना चाहिए? लोगों से यही आह्वान करना चाहूँगा कि ऐसे सब चीज़ों में इतना नज़दीक पुलिस स्टेशन होने के बावजूद डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तुरंत पुलिस स्टेशन में ऐसा कुछ भी होता है, कोई भी मांग होता है पैसों का, पुलिस ये सब चीज़ों में ये करती नहीं है। ये ऐसे ही बोगस पुलिस जो बन के आते हैं और इस तरह से काम करते हैं, तो पुलिस लोगों से आह्वान यही कर रही है कि ऐसा कुछ भी ये होता है तो आप पुलिस स्टेशन में रिपोर्टिंग करें। सर ये बंदा कहाँ का था? यही वैसे ही ये विरार का बंदा है। विरार का बंदा है। सर यहाँ पे ये जॉब करता था महानगर पालिका? ये वैसे आरोग्य विभाग में जॉब करता था महानगर पालिका VVMC में और उसको सस्पेंड किया गया। वैसे विरार महानगर पालिका में जॉब करता था? बराबर। लड़की बहन, उसके अलावा कोई जॉब प्लेसमेंट का भी है, आयुर्वेदिक दवाखाना, ये ऐसे कुछ रेलवे स्टेशन पे आड़ लगते हैं। उसके अलावा सस्ते में घर, जैसे हमारे इधर भी एक बंदा अरेस्ट हुआ है दीपक सिंह, उसके खिलाफ बहुत सारे हमने एक मामला दर्ज करने के बाद बहुत सारे लोग आए, 60-70 लोग आए, समथिंग 2.5 करोड़ के आसपास की रकम गई हुई है जिसमें चीट किया गया। वो तो ऐसे बहुत सारे मामले यहाँ पे होते रहते हैं, लेकिन लोगों को सजग रहना चाहिए। ये सब ऐसे इश्तिहार जो आते हुए हैं कि जिसमें बहुत अट्रैक्टिव ऑफर्स दिए जाते हैं, तो वो सब चीट करने का ये तरीका है।